आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ध्वज लीडर चल दो। सर आप आए। सर तिरंगा। मैडम साइड आओ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे सक्षम एजुटेक से भारती वेदी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। हमारे यहाँ पे आज 15 अगस्त का जो है प्रोग्राम मनाया गया जिसमें बच्चों ने सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो बच्चों ने अच्छी तरह से कोऑपरेट भी किया और फंक्शन का आनंद भी उठाया। तो मैं फिर से आप सभी को 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।
है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। परिचित ही हैं कि आज हम यहाँ पर उस दिन का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जब हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी, और वो दिन था 15 अगस्त 1947 का दिन। 15 अगस्त 1947 के बाद प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आइए हम सब मिलकर इस अवसर पर अपने देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने का संकल्प लें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कांटों में भी फूल खिलाएंगे, कांटों में भी फूल खिलाएंगे, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। आओ सब को गले लगाएं, हम सब स्वतंत्रता का पर्व मनाएं। तो मंच पर विराजमान आदरणीय हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड से आए हुए हमारे स्पेशल गेस्ट ज्योतिका जी और सोनू खान जी व स्टाफ मेंबर व मेरे प्रिय साथियों, भाइयों तथा बहनों व बाहर से आए हुए अतिथियों व मेरे आवाज के दायरे में आने वाले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं समय को मद्देनजर रखते हुए अपने स्टाफ मेंबर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहूंगी। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें भी हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसका शुभारंभ वंदे मातरम से करेंगे। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Thank you.
भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। धन्यवाद। Oh,
सभी बच्चे तालियां बजाए और एंजॉय करे पूरे कार्यक्रम का, ऐसे चुपचाप में बैठे जितना डांस करें उतना से ज्यादा एंजॉय आप करें, सारे तालियां बजाए जोर से, तालियां बजा जोर से। प्रस्तुत करेंगे खिलाया था, धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध खिलाया था, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से कटते हो दिल लगी, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से कटते हो दिल लगी, उसने बदल से दिल लगाया था, उसने बदल से दिल लगाया था, और लोग का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और लोग का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वह मौत को सामने देख कर भी मुस्कुराया था, और वह मौत को सामने देख कर भी मुस्कुराया था। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहन और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने देश का 17वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था, जिसे आजाद कराने के लिए कितने क्रांतिकारी सेनानी ने जान गंवाई थी। सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानी को नमन करना चाहिए जिसने हमारा देश सेनानी को नमन करना चाहिए जिसे हमारा देश आजाद कराया। 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त वर्ष 1947 को मुक्त हुआ था और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 1947 और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इस दिन को स्वतंत्र दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने ब्रिटिश शासन से अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी, तभी से संपूर्ण भारत के देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें और हमारे देश ब्रिटिश से यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। देश की आजादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानी ने बलिदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि एकमात्र लक्ष्य भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना था। और काफी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पश्चात सफल हुए। 15 अगस्त 1947 भारत देश के लिए गर्व का सौभाग्य का दिवस है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें इतनी कुर्बानी देकर आजादी प्राप्त की है जिसकी रक्षा हमें किसी कीमत पर करनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों को भी त्याग क्यों ना करना पड़े। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस को पर्व पूर्ण उत्साह उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रण लेते हैं। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, भूल ना जाना भारत माँ के उन सपूतों का बलिदान, भूल ना जाना भारत माँ के उन सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए हुए थे जो हस्तक कुर्बान, इस दिन के लिए हुए थे जो हस्तक कुर्बान, खुशियाँ मनाकर लो सब ये, खुशियाँ मनाकर लो सब ये की बनाएंगे भारत देश को अभिमान, की बनाएंगे भारत देश को अभिमान। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। अनेकता में एकता हमारी शान है, इसलिए हमारा भारत देश महान है। आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी पंजाबी डांस के लिए दीक्षा यंग ग्रुप। क्या किस काम की, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, और अगर हम वतन के काम में आए तो ये जिंदगी किस काम की। जब तक पंजाबी डांस वाली लड़कियां तैयार हो रही हैं, तब तक मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सोलो डांस के लिए शिवानी को। Yeah.
इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी किरण एंड ग्रुप को पहाड़ी नाटी के लिए। Thank you.
जहाँ नारा है वह भारत देश हमारा है। बढ़ते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी दीक्षा एंड ग्रुप को पंजाबी डांस के लिए। अपने बलिदान के रक्त से भराया और भारत माता का दादा है कराया।
सीधा चली दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं और सेना द्वारा अपने शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी भारतवासियों के मन से देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूरे जोश रहता है। आजादी के बाद भारत देश अब तक बहुत ऊंची कर चुका है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी विद्यालय कॉलेज स्थान बाजार कार्यालय और कारखाने आदि में छुट्टी होती है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के सभी विद्यालय जगह जगह पर झंडा फहराया जाता है। स्कूल कॉलेजों आदि में संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 15 अगस्त भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। ये पर्व हमारे हृदय में नवी स्फूर्ति नवी आशा उत्साह तथा देशभक्ति का संचार है। भारत दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर ये आजादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों का त्याग क्यों ना करना पड़े। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूरे उत्साह उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिक की रक्षा का प्रण लेते हैं। जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, भूल ना जाना भारत माँ के सुपुत्रों का बलिदान, भूल ना जाना भारत माँ का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आजादी की खुशियाँ मनाकर लोग, आजादी की खुशियाँ मनाकर लोग शपथ ये है कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जय हिंद जय भारत। ये क्या मेरी कहानी है, ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मनीषा को, जो कि सोलो डांस लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है।
नूर पूरे दिए खत
साथ गाएंगे ना।
ओ कुछ सैनड़िया यूं तो मिलेंगे जमाने में आशिक कई, अपना है कि एक दिन किस्मत बदल जाती है। Thank you.
हम दिया पर सदा डांस करेंगे अपने। आ जाओ आ जाओ।